पिछले आईफोन टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस देख लियो हो तो कुछ और ट्रिक्स हो जाए, और अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के एंड में इसकी मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, सो दैट ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू ऑलोजी टेक इन हिंदी, इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहला जो ट्रिक है उसमें एप्पल आपको एक ऑप्शन देता है कि कुछ एप्स के अंदर आप लॉग इन कर सकते हो यूजिंग योर एप्पल आईडी। तो अगर आप अपने ईमेल आईडी से लॉग इन नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली एप्पल आईडी से लॉग इन कर सकते हो, एंड उस केस में आपका जो एप्पल आईडी वो हिडन रहता है उस पर्टिकुलर ऐप से। लेकिन अगर आपने मल्टीपल एप्स के थ्रू लॉग इन कर दिया यूजिंग एन एप्पल आईडी, एंड अब अगर आपको जानना है कौन से एप्स आप लॉग इन कर रहे हो यूजिंग योर एप्पल आईडी, तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आपका नाम जहां पे लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्स यूजिंग एप्पल आईडी। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अब आप वो एप्स देख सकते हो जिसमें आपने लॉग इन किया यूजिंग योर एप्पल आईडी। इतना ही नहीं, उस एप पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी कौन सी डमी आईडी यूज की है, एज वेल आप यहाँ पे स्टॉप यूजिंग एप्पल आईडी पे भी क्लिक कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है सीरी में। तो कितनी बार अगर आपको आपका ट्विटर का हैंडल शेयर करना है किसी के साथ, एंड वो भी इन द फॉर्म ऑफ QR कोड, तो उसके लिए आपको यही कमांड सीरी को बोल देना है, ट्विटर QR कोड। तो आप जैसे ये कमांड सीरी को दोगे तो आपका जो ट्विटर का जो QR कोड है वो जनरेट होके आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ही मिल जाएगा। अब अगला जो ट्रिक है वो है नोट्स के अंदर। तो अगर आपके आईफोन में डार्क मोड एक्टिवेट हो, एंड डार्क मोड अगर आपका ऑन होता है तो आपका जो नोट्स है वो ब्लैक हो जाता है। लेकिन अगर आपको डार्क मोड भी यूज करना है, एट द सेम टाइम आपका जो नोट्स है उसका बैकग्राउंड ब्लैक नहीं रादर व्हाइट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको इस ट्रिपल डॉट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यूज लाइट बैकग्राउंड। तो लाइट बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद अगर आपका डार्क मोड ऑन भी रहेगा उसके बाद भी आपका जो नोट होगा उसका बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो उन सबको काम आएगा जिनके बहुत सारे पेजेस है उनके आईफोन पे। तो अगर आप कोई और पेज पे जाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप यहाँ से स्लाइड करके तो कर ही सकते हो, या फिर आप इन डॉट्स पे भी क्लिक कर सकते हो। लेकिन एक तीसरा तरीका है, एंड वो जो तरीका आपको जो यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं उनके अगर आप लेफ्ट साइड पे क्लिक करोगे तो आप लेफ्ट स्क्रीन पे चले जाओगे, अगर आप इनके राइट साइड पे क्लिक करोगे तो आप राइट साइड वाले स्क्रीन पे आओगे। तो आपको जो स्क्रीन पे जाना है उस स्क्रीन पे जाने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इन डॉट्स के लेफ्ट या राइट साइड पे क्लिक करना है। तो आपको स्पेसिफिकली उस डॉट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाजू के स्पेस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेज चेंज होता जाएगा। अब कितनी बार ये होता है कि आपने किसी सेंडर को ब्लॉक करके रखा है लेकिन फिर भी अगर वो आपको मेल करता है तो उसके सारे ईमेल्स आपके इनबॉक्स में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि जिस सेंडर को आपने ब्लॉक किया है उनके ईमेल्स आपके इनबॉक्स में नहीं जाने चाहिए, वो डायरेक्टली डिलीट हो जाने चाहिए, तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिलेगा मेल का। मेल के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लॉक सेंडर ऑप्शन। तो यूजुअली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लीव इन इनबॉक्स टिक मार्क रहता है, आपको इसको चेंज करके मूव टू बिन कर देना है। एंड अब आपका वो सेंडर जिसको आपने ब्लॉक किया है वो आपको ईमेल भी करेगा तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है उसमें अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया है तो यूजुअली हम ये करते हैं कि इस स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे शेयर का जो आइकन मिलता है उसके ऊपर आके हम शेयर करते हैं जिसको भी हमको सेंड करना होता है। लेकिन अगर आपको ये मल्टीपल टैब्स अवॉइड करना है तो उसके लिए जैसे आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसके बाद यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस कर देना है। जैसे आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको सारे शेयरिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आपका स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए आसान सा ट्रिक जरूर आजमाना। अगला जो ट्रिक है उसमें अगर आप किसी को व्हाट्सएप भेजना चाहते हो तो यूजुअली हम ये करते हैं कि व्हाट्सएप खोलते हैं, पेन के आइकन पे क्लिक करते हैं, जो भी रिसीवर उसका वहां पे नाम ऐड करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, उसके बाद सेंड कर देते हैं। लेकिन इतना लंबा चौड़ा मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है जब आपके पास सीरी का पावर है। तो आपको यही चीज सीरी से करवानी है, एंड सीरी को आपको एक कमांड देना है सेंड व्हाट्सएप टू AD, एंड आप देख सकते हो कि व्हाट्सएप यहाँ पे खुल चुका है, जो भी मेरा रिसीवर है वहां पे ऐड हो चुका है, एंड जो मैसेज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ मैं बोल सकता हूँ, हे वेयर आर यू। तो आप देख सकते हो जो मैसेज मैंने बोला वो यहाँ पे टाइप हो चुका है, एंड उसके बाद आपको सिर्फ इतना ही बोलना है सेंड। तो आप देख सकते हो आपका जो मैसेज है वो रिसीवर को सेंड हो चुका है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगे। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो भी सीरी में ही है, लेकिन ये जो ट्रिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मजाक में बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको कोई जेन्युइन इमरजेंसी हो तो ही आपको ये कमांड यूज करना है, एंड इसके लिए सबसे पहले आपको सीरी को एक्टिवेट कर देना है, एंड उसके बाद आपको कमांड बोलना है 108। तो जैसे आप 108 बोलोगे तो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल लग जाएगा, आपको 3 काउंट्स मिलेंगे, एंड इन 3 काउंट्स के बाद वो कॉल प्लेस हो जाएगा। तो अगर आपको वो कॉल प्लेस नहीं करना है इन 3 सेकंड्स के अंदर आपको उसको कैंसिल कर देना है। लेकिन अगर आपको सीरियसली कोई इमरजेंसी हो तो आप ये वाला सीरी कमांड जरूर यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है उसमें सेटिंग्स के अंदर आपको आना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है जूम का। अब जितने भी लोग जूम का ऑप्शन यूज करते हैं उनको एक मेजर प्रॉब्लम आती है,
दैट इज अगर जैसे जूम मैंने यहाँ पे ऑन किया है एंड अगर मेरे को कोई और लोकेशन पे जाना होता है स्क्रीन के ऊपर तो उसको ड्रैग करने में काफी मुश्किल आती है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे। दैट इज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जूम कंट्रोल का, इसको आपको सबसे पहले ऑन कर देना है। अब आप जब जूम को ऑन करोगे आपको यहाँ पे एक आइकन मिल जाएगा, इस आइकन को यूज करके आप स्क्रीन के कोई भी लोकेशन पे आप जा सकते हो। तो अगर आप जूम यूज करते हो तो जूम कंट्रोलर आपको जरूर यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट एंड आखिरी जो ट्रिक है वो आपके बहुत ही काम आए, तो से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ऐप है जो आप रेगुलरली यूज करते हो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब म्यूजिक, तो यूट्यूब म्यूजिक अगर मेरे को हर बार यूज करना है तो मेरे को इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आना होता है, मेरा यूट्यूब म्यूजिक ऐप मेरे को ढूंढना होता है एंड उसके बाद मैं उसके ऊपर क्लिक करके उस ऐप को खोल सकता हूँ। लेकिन व्हाट इफ मैं कोई और स्क्रीन में हूँ एंड मेरे को इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आके ये वाले ऐप पे क्लिक नहीं करना है, तो एक ऐसा शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा जिससे होगा कि कोई भी स्क्रीन पे आप हो उस ऐप को आप वहीं से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो उसके लिए दो चीजें करनी पड़ेगी, नंबर वन एक शॉर्टकट क्रिएट करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट में आने के बाद इस प्लस आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड एक्शन का। ऐड एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ओपन ऐप, उसके बाद आपको क्लिक कर देना है ओपन ऐप। नेक्स्ट यहाँ पे चूज लिखा हुआ है वहां पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप अपना मनपसंद ऐप सिलेक्ट कर लोगे। इन माय केस में यूट्यूब म्यूजिक सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे को क्लिक करना है नेक्स्ट पे एंड इस शॉर्टकट का मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल YT लिख लेता हूँ एंड इसको डन कर देता हूँ। अब मेरा शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है, तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप के लिए आपको आना है सेटिंग्स के अंदर एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है टच पे। टच में सबसे पहले आपको असिस्टिव टच को यहाँ पे ऑन कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सिंगल टैप। सिंगल टैप पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ऑल द वे नीचे आना है जहां पे आपको आपका शॉर्टकट मिल जाएगा जिसका मैंने नाम रखा था YT। तो यहाँ पे मैं YT को सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। अब अगर मेरे को YouTube म्यूजिक खोलना है तो उसके लिए मेरे को सिर्फ इतना ही करना है कि ये जो असिस्टिव टच का जो आइकन है इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे मैं इसके ऊपर टैप करूंगा तो मेरा YouTube म्यूजिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ, फिलहाल इस स्क्रीन के ऊपर मेरा YouTube म्यूजिक का ऐप नहीं है एंड इस ऐप को खोलने के लिए मेरे को सिर्फ इतना ही करना है, यहाँ पे टैप कर देना है। आप देख सकते हो YouTube म्यूजिक मेरा खुल गया। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि कौन से ट्रिक आपको सबसे ज्यादा पसंद आए एंड अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो, बाजू में जो आपको बेल आइकन वो भी जरूर दबाए। देखते रहे ऑल ओवर टेक इन इंडिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।